नमस्कार सर नमस्कार जी कैसे हैं आप बिल्कुल बढ़िया आप बताओ आई एम ऑल्सो गुड सो मैं चाहता हूँ एक बार आ, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा एक मिनट के लिए आप अपने बारे में बताइए मैं डॉक्टर प्रतीक चतुर्वेदी हूँ मैंने इंजीनियरिंग करी थी उसी कॉलेज से जिससे आप पास आउट हुए हैं जो कि पूना में है इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करी उसके बाद में आई आई एम कैलकाटा से एम बी ए किया सिंगापुर में जॉब किया करता था प्रोफेशनल कॉपोरेट लाइफ में हूँ पिछले करीब बाईस साल से एंड uh, कुछ समय पहले मुझे क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष में तो मैंने काफ़ी पढ़ाई लिखाई करी और इस वक्त मैं ज्योतिष में पीएचडी एच डी हूँ इसलिए आपने मेरा जो नाम सुना डॉक्टर प्रतीक चतुर्वेदी ज्योतिष में काफ़ी पढ़ाई लिखाई करी तंत्र में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया आज से पंद्रह बीस साल पहले एक रियल अगोरी जो दिखता है कि जिसके शरीर पे राख लगी होती है रुद्राक्ष माला पहनी होती है वो लोग कैसे होते हैं देखिए वो एक टिपिकल माइंडसेट को फॉलो कर रहे हैं वो उनका ये सोचना है कि हम जीवन जो नॉर्मल गृहस्थ आश्रम है ये जो नॉर्मल जीवन चल रहा है इससे हम दूर हट चुके हैं राइट उन्होंने वो जो ऐश चढ़ा रखी वो इसलिए नहीं है कि उस ऐश को लगाने से कुछ खास फर्क पड़ता है वो इसलिए है कि वो ये प्रूव कर रहे हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ नॉर्मल है या आपको जो भी चीज़ एब नॉर्मल लगती है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ उनके ऊपर जो राख है वो क्या है वो चिता से उठी हुई राख है वो जो खा रहे हैं क्या है वो वहाँ पे जो बॉडी जो पक रही है चिता में उसको वो खाते हैं जो वो कपड़े पहनते हैं वो सिर्फ मरे हुए लोगों के कपड़े अघोर में जो बन जो इंसान मर चुका है जिसकी चिता जल चुकी है उसके जो डिस्कार्डेड कपड़े पड़े होते हैं आप सिर्फ वो पहन सकते हो तो अघोर अघोर तंत्र जो लोग फॉलो कर रहे हैं बेसिकली उनका यह कहना है कि हर वो चीज़ जिसको दुनिया नेगेटिव समझती है उसको मैं पॉजिटिव मान के एक्सेप्ट करता हूँ अघोरी वो है घोरी वो है जो ये चाहता है कि मुझे सक्सेस जल्दी से जल्दी मिले ओके okay? नॉर्मल जो आपका राइट हैंड पाथ है जिसे दक्षिण मार्ग कहा जाता है दक्षिण मार्ग में सफलता धीरे धीरे मिलती है जिसे भक्ति योग भी कहा जाता है हो सकता है सालों लोगे हो सकता है कई जन्म लग जाए वाम मार्ग जो है जिसे आप तंत्र कहते हैं जिसमें तंत्र मंत्र और यंत्र साधना जाता है वो सुपर फास्ट मेथड है <coughs> एक में एग्जाम्पल ये है कि आप पैदल जा रहे हैं भगवान की तरफ धीरे 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 दूसरा रास्ता यह है जिसमें आप बोल रहे हैं है अभी हो सकता है कि हर बार आप गाड़ी ठोक दो मृत्यु हो जाए और फिर से पैदा लेकिन यह है, है अगर आप उसमें सफलता पा गए तो बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंच सकते हो नहीं पाए तो नुकसान भी उठा सकते हो कितने टाइप के तंत्र होते हैं अपने हिंदुइज्म में जैसे आपने बताया एक अघोर तंत्र है दो ही रस्ते हैं एक दक्षिण मार्ग है एक वाम दक्षिण मार्ग वो है जिसमें टिपिकली सौम्य रूप की पूजा की जाती है सौम्य तरीकों से आप उनको नॉर्मल प्रसाद लगाते हैं नॉर्मल सुगंध चढ़ाते हैं आ, अपनी दिनचर्या कंटिन्यू करते हैं आपके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते वाम मार्ग में वो सारी चीज़ें जिसको जिसको नेगेटिव माना गया है मांस नॉन वेज हो गया मदिरा एल्कोहल मैथुन विच इज सेक्स मत्स्य जो हुआ आपका फिश एंड मुद्रा जो है वीट ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ईश्वर को चढ़ाई जाती हैं इसमें आपके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स आ जाते हैं जो हैं द थ्री एसेस स्थान समय और संख्या आपको सेम स्थान पर बैठ के सेम समय पर सेम संख्या में वो जाप करना है जो आप संकल्प लेकर चल रहे हो टिपिकली जो संकल्प इसको अनुष्ठान भी लोग कहते हैं वो कुछ दिनों का होता है कोई ग्यारह दिन का करता है कोई इक्कीस का कोई बयालीस का कोई उससे भी ज़्यादा लंबा करता है जो अगौर तंत्र में चले गए वो तो परमानेंटली ये कर रहे होता है राइट तो ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना होता है जिसमें कोई फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है मगर आप उसको अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आपको अपना मंजिल प्राप्त कर ले जाएंगे आप ईश्वर तक जल्दी पहुंच पाएंगे वहीं जो दक्षिण मार्ग है उसमें प्रोग्रेस स्लो होती है प्रोग्रेस उसमें भी है ईश्वर उसमें भी आपकी बात सुन रहा है मगर फर्क यह है कि एक रूट पे आप धीरे 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 कॉपोरेट लैडर को चढ़ रहे हो एक दिन शायद आप सीईओ एमडी चेयरमैन बनोगे दूसरे में आप ऑनट्रप्रनर बन चुके हो आपने उठा के जंप ले लिया आप सीधा सीधा सीईओ बनना चाहते हो पच्चीस साल की उम्र में <coughs> बन जाओगे कि आपकी कंपनी डूब जाएगी ये तो उसके हालत में सही चल गए तो सी भी बन गए और यूनिकॉर्न भी बन जाओगे तो जो एंटरप्रेन्योर है एक बार उनको तंत्र साधना जरूर करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए कुछ नहीं तो उससे उनको फोकस और स्टेबिलिटी रहती है उससे उनको ऊपर वाले पे जो भरोसा रखने की ज़रूरत है एंड अपने अंदर जो एक आत्मविश्वास आने की ज़रूरत है वो आ जाता है फिर उनके सामने चाहे जो हो जाए परिस्थितियाँ ऊपर नीचे हो जाए चाहे जो हो जाए उनका वो कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है जो मेरे को कुछ होने नहीं देगा राइट आप अगर प्लेन से भी आपको कोई बोले कि पैरा कूद जाओ अगर आपको ये पता है कि मेरे पास एक पैराशूट है जो कुछ मिनटों बाद खुलने वाला है कॉन्फिडेंस कुछ जाओ तो जनरली लोग तंत्र से डर जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि थोड़ा सा है। तंत्र को नेगेटिव बनाया गया तंत्र कोई नेगेटिव चीज थी नहीं तंत्र तो एक सिस्टम है जैसे प्रजातंत्र हो गई डेमोक्रेसी तो तंत्र इज सिस्टम